हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। नीट 2020 का एग्ज़ाम 3 मई को ही हो सकता है, क्योंकि विनीत जोशी ने बहुत बड़ा बयान दिया है और बोला है कि हमारी पूरी कोशिश है कि समय पर ही हम नीट 2020 का एग्ज़ाम करवाएं। तो अंतिम 30 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और नीट 2020 पोस्टपोन होने के चांसेज अब कम क्यों दिखाई दे रहे हैं, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको एक मैं जानकारी दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। गोप्रेप टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 4th and 5th अप्रैल को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आप 20 लाख प्लस रुपए तक के प्राइजेज और 90% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। 4th and 5th अप्रैल को ये एग्ज़ाम 4 स्लॉट के अंदर लिया जाएगा, जिसमें से जो भी आपको स्टेबल लगे वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को 2 राउंड में कंडक्ट करवाया जाएगा, राउंड 1 एंड राउंड 2। तो दोस्तों, जैसे ही राउंड 1 में आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें से जो है 1000 टॉप स्टूडेंट निकाले जाएंगे जो GTSE राउंड 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे और प्राइज जीत पाएंगे। इसके लिए मैं आपको जो है सिलेबस मेंशन कर देता हूँ। 8th, 9th and 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस, मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। इसी प्रकार जो JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एप्टीट्यूड, और जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जहाँ पर आप लैपटॉप, 1+ मोबाइल्स, वॉचेज, व्हीकल्स वगैरह जो है जीत सकते हैं, सुपर 1000 स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सरफेस निकल के आएगा, जहाँ पर आप अपना नेम डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं और पासवर्ड डाल के यहाँ पर रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा सर्फेस आएगा, जहाँ पर आपको जो है अपनी एक क्लास, जिस भी क्लास में आप हैं वो सिलेक्ट करनी है। आप 8th, 9th, 10th या 11th में हैं, या फिर 12th पास है या 12th में है, उसके बाद आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है, जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो OTP मांगेगा, OTP मांगते ही आप जो है यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए WhatsApp के थ्रू, तो यहाँ पर जो है आप ये भी इनेबल कर सकते हैं। और आपको जो है यहाँ पर 4 स्लॉट्स दे दिए गए हैं, जिस भी स्लॉट्स के अंदर आप एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं। मान के चलो आप एग्ज़ाम देने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो उसके लिए जो आपको 30 मिनट के लिए जो छूट दे दी गई है, 30 मिनट तक आप थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जो है 5th अप्रैल के 8 से 9 PM जो 4 स्लॉट है, इससे पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करके आप एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। 1 चांस दिया जाएगा हर एक स्टूडेंट्स को। कुछ आपके इसके रिगार्डिंग डाउट्स वगैरह रहते हैं तो मैं आपको दूर कर देता हूं। वो देखिएगा, टॉप 1000 स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप एंड प्राइज जीतने का मौका है। रजिस्ट्रेशन जो है इसके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताऊं तो 8th क्लास से लेकर के 12th पास स्टूडेंट्स ये जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है 1st राउंड का 8th अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 2nd राउंड का जो आपका एग्ज़ाम है वो 11th अप्रैल को लिया जाएगा और 12th अप्रैल को उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और स्कॉलरशिप और प्राइज जीतने के साथ साथ हर एक स्टूडेंट को मौका मिलेगा जो भी अटैम्प्ट करेगा ये एग्ज़ाम, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम गोप्रेप, गोप्रेप की तरफ से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा सभी जो अटैम्प्ट करेंगे इस एग्ज़ाम को, जो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है, जो रिज्यूम वगैरह में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर आपका कोई क्वेरी वगैरह हो, कोई आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर जो है ईमेल कर सकते हैं support@goprep.co। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिएगा, ये आज की अपडेट है कि एनटी नीट एडमिट कार्ड, एनटी ने रोका नीट प्रवेश पत्र परीक्षा टलने के आसार। इसमें आगे देखिएगा जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा कि असर, लॉकडाउन पर स्थिति स्पष्ट होने पर होगा परीक्षा टालने का फैसला। फिलहाल 3 मई है परीक्षा की पूर्व निर्धारित तारीख। एनटी के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि हमें फिलहाल प्रवेश पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है। जैसे ही लॉकडाउन स्थिति पर स्पष्ट होगी हम परीक्षा की तारीख पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर स्थितियाँ अधिक खराब नहीं हुई तो हम चाहेंगे कि परीक्षा समय पर हो। यहाँ पर आप गौर फरमा सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर स्थितियाँ अधिक खराब नहीं हुई तो हम चाहेंगे परीक्षा नीट जो है वो समय पर ही हो। तो दोस्तों, इनकी पूरी कोशिश है एनटी वालों की कि एग्जाम को जो है 3 मई को ही करवाया जाए। अगर स्थितियां में कोई जो है बदलाव नहीं आता है, स्थितियां सुधर जाती है, तो आपका एग्जाम जो है वो 3 मई को ही कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, जरूरी हो जाता है कि हमको जो है 3 मई के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए। तो कैसे तैयारी करनी है अंतिम 30 दिनों में, वो भी हम जान लेते हैं।
तो दोस्तों हमारे पास अंतिम 30 दिन है और 30 दिनों में हमको ये तीन सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे आपको पढ़ने, उसके साथ साथ फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स में आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बायो की। बायो के अंदर देखिएगा दोस्तों, अभी आपके पास 30 दिन बचे हैं और आपको जो है एक बार पूरी की पूरी रिवाइज करनी है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, दो घंटे के लिए आप जो है एक बार नोट्स की तरफ नज़र दौड़ाइएगा, कोई भी चैप्टर उठाइएगा और उसके जो है दो घंटे तक उसके नोट्स में जितने भी अपने मेन पॉइंट लिख रखे हैं उनकी तरफ नज़र दौड़ाइएगा, एक या दो चैप्टर दो घंटे में निपटा दीजिएगा थ्योरी। उसके बाद जो है उसके एमसीक्यू जितने भी हैं उनको करने की कोशिश कीजिएगा। दो घंटे तक तो आप जो है थ्योरी के तरफ ध्यान दीजिएगा, नोट्स जो बेसिक बेसिक पॉइंट होते हैं, जो आपने क्वेश्चन जहाँ से आप पजल हो जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको जो आप पढ़िएगा। उसके बाद एमसीक्यू उसके जरूर करिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि 30 दिनों में बायो जो है आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। आप जो है 4 घंटे हर रोज बायो को दीजिएगा, क्योंकि अंतिम 30 दिन है और एक सब्जेक्ट को कम से कम 4 घंटे तो जरूरी है ही है। इसी प्रकार आपको जो है ऐसे केमिस्ट्री करना है कि 2 घंटे जो है आपको थ्योरी पढ़नी है, मतलब नोट्स के अंदर जो जो आपने अच्छे अच्छे से नोट कर रखा है उनको एक बार ऊपर से देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ लिया है, अब जो है उनको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देख लें जहाँ जहाँ पजल हो सकते हो आप। उसके बाद उसके भी आप एमसीक्यूज करिए दोस्तों। एमसीक्यूज कर लेते हैं तो हमारा वो चैप्टर पूरा हो जाता है, हमको कोई परेशानी नहीं आती है। और जिन जिन क्वेश्चनों पर आपको लगता है कि इनमें हम पजल हो सकते हैं, चैप्टर वाइज आप जो है उन क्वेश्चनों पर जो है टिक मार्क करते रहें, ताकि आप जब लास्ट 1 या 2 दिन बचेंगे तो उस समय आप जो है उनको रिवाइज कर पाएं, जिससे कि आपको जो है उन क्वेश्चन में पजल ना हो। इसके बाद मेन चीज़ आ जाती है दोस्तों फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर बना सकता है। अगर फिजिक्स में आपका अच्छा स्कोर नहीं आता है दोस्तों तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और आप जो है कभी भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते हो। तो फिजिक्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, उन टॉपिक को आपको पढ़ना कैसे पहले वो जान लीजिए। जितने भी टॉपिक दोस्तों मैं आपको 20 के अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 दिन बचे हैं, हर रोज़ या 2 दिनों में एक टॉपिक आपको कवर करना है। आप क्या कीजिएगा, पहले 2 घंटे तक उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, उसकी थ्योरी है, उसके जितने भी मेन मेन पॉइंट दिए गए हैं उसको जो है बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर में क्या करना है दोस्तों, उसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जो NCERT बुक में एक्सरसाइज के साथ दिए होते हैं, जो न्यूमेरिकल वगैरह जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको जो है आपको सॉल्व आउट करना है, क्योंकि NTA जो है NCERT बुक से ही आपके क्वेश्चन पूछ रहा है और वही आपको जो है सबसे पहले कवर कर लेने हैं, उनको जो है करने की ट्राई करनी है। तो आपको जो है एक दिन में कम से कम एक टॉपिक तो करना ही करना है, कोई भी एक टॉपिक जरूर करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। 20-30 दिनों में आप दोस्तों ऐसे मान चलिएगा 20 टॉपिक कर लेते हैं, तो वहाँ से 20 क्वेश्चन तो आएंगे, हो सकता है 25 क्वेश्चन भी वहाँ से पूछ ले जाए, क्योंकि मैंने जो टॉपिक आपके लिए निकाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है 20 से 25 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे फिजिक्स के अंदर। 25 क्वेश्चन का मतलब है कि आपका फिजिक्स सेक्शन अच्छा हो जाता है, और फिजिक्स सेक्शन अच्छा हो गया तो आपको जो है नीट एग्जाम के अंदर कोई भी 580 से लेकर के 600 तक नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। और अगर आपके इतने नंबर आ जाते हैं तो आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं फिजिक्स के कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं। देखिएगा मॉडर्न फिजिक्स से 2019 में भी क्वेश्चन आए थे, NTA ने पूछे थे, और उड़ीसा में जो एग्जाम हुआ नीट यूजी का वहाँ पर भी क्वेश्चन आए, और अब की बार भी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्मल फिजिक्स यहाँ भी देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी भी, 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी आए हैं लास्ट ईयर जो NTA ने एग्जाम लिए हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है, कम समय में आप जो यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। एक है मैग्नेट एंड इट्स रिलेटेड टॉपिक्स, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3, 2-2। और ग्रेविटेशन जो है दोस्तों यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आते हैं और इजी टाइप है बहुत ज़्यादा, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, इन टॉपिक को आपको कवर करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से भी 2019 में क्वेश्चन आए थे 3, और अब की बार भी एक्सपेक्टेशन है कि 2 या 3 क्वेश्चन अब की बार भी यहाँ से आ सकते हैं। सेमी कंडक्टर जो टॉपिक है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट्स जो है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 आए हुए हैं 2019 में, अब की बार भी 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद बात करें रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ से जो है 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे, अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में, अब की बार भी आ सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। फ्लूइड एंड मैटर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। NLM एंड फ्रिक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन 1 या 2 आ सकते हैं। WPE एंड सर्कुलर मोशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे 2019 में 4, अब की बार भी 3 से 4 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर 1 क्वेश्चन आया था, अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, आपको फॉर्मली याद रखने हैं। नोटेशन के भी यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन आए थे, अब की बार भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से कवर करने हैं, और ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेते तो फिजिक्स का सेक्शन आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। देखिएगा 15 अप्रैल तक ही पता लग पाएगा, अगर 15 अप्रैल को सब कुछ स्थिति जो है बिल्कुल सही हो जाती है, लॉकडाउन हटा दिया जाता है, कोरोना वायरस पर कंट्रोल हो जाता है, तो आपका एग्जाम जो है दोस्तों वो पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन अगर 15 अप्रैल तक स्थिति में सुधार नहीं आता है तो दोस्तों मान के चलेगा कि आपका एग्जाम मिड ऑफ जून, मतलब कि 15 जून के बाद ही होगा, इससे पहले होने का कोई चांस नहीं है, या तो 3 मई को ही होगा, और ये कंडीशन भी आपकी आने वाले 1 वीक में पता लग जाएगी। अगर स्थिति में सुधार आता दिखाई दिया तो आप ये मान के चलेगा कि 3 मई को ही एग्जाम आपका हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका एग्जाम जो है 15 जून के बाद ही होगा। तो दोस्तों एक मैंने जो फ्री आपका जो बताया है कि जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है गोप्रैप के ऊपर, तो उसको जो है आप जरूर देखे देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपका जो है कोई भी फीस नहीं लग रही है, और आप जो है वो एग्जाम देंगे तो नीट एग्जाम के अंदर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वहाँ पर होगा, क्योंकि वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और आपको जो है थोड़ा वहाँ पर फायदा मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे हमको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जरूर दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो गोप्रैप जो है वो वहाँ पर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, थैंक यू।